हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 22, 23 और 24 सितंबर के सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के मेनली क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था साइंस के अंदर जिसमें पूछा गया था बताइए इसमें से कौन सी इनर्ट गैस है। तो देखिए 18वें ग्रुप में जो आती है वो होती है इनर्ट गैस और यहाँ पर आंसर है क्रिप्टॉन। आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम, ये सारी जो गैसेस हैं ये सारी हैं इनर्ट गैसेस, यानी कि इनके ऑक्टेट जो होते हैं वो फुल होते हैं, इसी वजह से ये दूसरे के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शंस नहीं करती हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था प्लेन मिरर प्रॉपर्टी के ऊपर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में आपको बता दूं स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी तो ये है आपका ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतने ही दूर आपकी इमेज भी बनेगी। उसके बाद सेम साइज होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट और जितने साइज का होगा उतने ही साइज की इमेज भी होगी आपकी। इसके साथ साथ इमेज होगी लेटरली इन्वर्टेड। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की जिसमें से एक प्रॉपर्टी पूछी गई थी एग्जाम के अंदर। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल हर एक शिफ्ट में आ रहा है, एक दो शिफ्ट छोड़कर सभी में पूछा जा रहा है। तो हाफ एम वी स्क्वायर याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर वी को आप दुगना कर देंगे यानी 2V कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 times हो जाएगी। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था और इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया था MgH। इसमें से आपको तीन चीजें दे दी गई थी, पोटेंशियल एनर्जी दी गई थी, मास दिया गया था और ग्रेविटी दी गई थी, आपको बताना था हाइट क्या निकलेगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल। इसके बाद देखिए एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन टीचर, प्लेयर और एक्टर के ऊपर आया था, इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेम ऑफ मुगल सराय स्टेशन को चेंज करके अब क्या कर दिया गया है। तो देखिए मुगल सराय जो स्टेशन है, ये सराय स्टूडेंट्स, मुगल सराय स्टेशन का नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, ये यूपी के अंदर स्थित है। और यहाँ देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2017 का। वेस्टर्न घाट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेन के लिए मुंबई के अंदर, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरीके पूछा गया था कि मुंबई के अंदर रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है वेस्टर्न घाट्स। एक क्वेश्चन आया था रैंकिंग ऑफ ओडीआई के अंदर, इंडिया की रैंकिंग क्या है क्रिकेट में। तो देखिए वनडे क्रिकेट के अंदर जो इंडिया की रैंकिंग है वो है सेकंड। अगर मैं बात करता हूँ T20 की तो उसमें भी सेकंड है इंडिया और टेस्ट के अंदर इंडिया नंबर 1 पर है। तो याद रखिएगा ये लेटेस्ट रैंकिंग है इंडिया की। इसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था कृष्णा सोबती को। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट विजन, ये एक स्टूडेंट डिजिटल मिशन था, ये डिजिटल मिशन का ही एक पार्ट है। डिजिटल मिशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट विजन जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है, तो वो किया है हमारे यूनियन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 2017 का वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप विनर कौन था। तो 2017 का वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप विनर है इंडिया, और एशिया अगर एशिया चैंपियनशिप पूछा जाता है स्टूडेंट तो वो भी याद रखिएगा वो भी इंडिया ने जीती है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था और इंडिया ने ये चैंपियनशिप जीती थी। इसके बाद कैपिटल ऑफ क्रोशिया पूछा था, तो क्रोशिया स्टूडेंट्स, क्रोशिया की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ गलत है, क्रोशिया की कैपिटल है जेरेक। इसके बाद देखिए 8 एलिमेंट पूछे गए थे किस में होते हैं कौन से पीरियड में, तो टोटल 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रचयिता कौन है, मोजले फाउंडर कहलाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। इससे पहले दिया था किसने, मेंडेलीव ने, मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल को नकार दिया गया था क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के बाद वो फॉलो नहीं कर रहा था। इसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई और उसके अंदर जो दूसरा और तीसरा पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं। और ये अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 2 एलिमेंट किस पीरियड में होते हैं, तो होते हैं पहले पीरियड में, फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं हीलियम और हाइड्रोजन। इसके बाद बैलून के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा हीलियम भरी जाती है, हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर देखिए प्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये है हाइड्रोजन जो मैंने लाइनें बनाई हैं। तो देखिए टोटल 8 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कार्बन है 3, तो C3H8 होता है यहाँ फॉर्मूला, सिंगल बॉन्डिंग होती है प्रोपेन के अंदर। NaHCO3 का पूछा गया था नाम, तो ये कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, इनके ऊपर न्यूमेरिक वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको, इनके फॉर्मूला, इनके केमिकल नेम और इनके नॉर्मल जो साइंटिफिक नेम है वो सब याद रखने हैं। इसके बाद देखिए एनर्जी जो सन के ऊपर प्रोड्यूस होती है उसका मेन कारण क्या है, तो देखिए 2 हाइड्रोजन मिलके वहां बनाते हैं हीलियम और यही कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन मत भूलिएगा स्टूडेंट, न्यूक्लियर जो फिजन होता है ये होता है हमारे एटम बॉम्ब्स के अंदर, तो याद रखिएगा ये होता है न्यूक्लियर फिजन और सन के ऊपर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। सो स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो देखिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है इस समय मेनका गांधी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग शिफ्टों के अंदर। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ 31 जनवरी 2018 को। स्टूडेंट जो ये गेम्स हैं इसका मेन उद्देश्य है ओलंपिक के अंदर भारत के लिए ज्यादा मेडल लाना। तो स्कूल लेवल से ही प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को, जो इनके अंदर अच्छे रैंक लाएंगे, जो विनर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो अपने खेल के ऊपर और ध्यान दे सकें और ओलंपिक में आगे जाकर मेडल ला सकें। एडोब के सीईओ पूछे गए थे, एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। और इसके साथ साथ हिंदी मीडियम जो मूवी थी इरफान खान की उसके डायरेक्टर पूछे गए थे, तो ये है साकेत चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 कहाँ हुआ था और किसने जीता था? तो ये देखिए ये इंडिया ने जीता था कबड्डी वर्ल्ड कप 2016। इसके साथ साथ गवर्नर ऑफ पांडिचेरी पूछे गए, तो किरण बेदी हैं गवर्नर ऑफ पांडिचेरी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये जो महोत्सव है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है और ये हुआ था गोवा के अंदर, नवंबर के मंथ में ये ऑर्गेनाइज होता है। इसके बाद ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन कैटेगरी के अंदर किसको दिया गया? तो ये दिया गया संता रंगास्वामी को। सो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है 2018 का फीफा वर्ल्ड कप के अंदर गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव दोनों ही अवार्ड बहुत फेमस हैं और काफी बार पूछे जाते हैं। गोल्डन बूट अवार्ड तो कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है इसी ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर। तो देखिए हैरी केन है जिनको मिला है ये। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्लेस क्या है इंडिया का स्टील प्रोडक्शन के अंदर, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, यूएसए को हटाकर इंडिया कौन से प्लेस पर आ गया है स्टील प्रोडक्शन में? तो देखिए स्टील प्रोडक्शन के अंदर इंडिया आ गया है 3rd नंबर पर। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान पहली लेडी बनी है, पहली महिला जो हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान में चीफ जस्टिस बनी है वो है ताहिरा सफदर। इसके बाद एक क्वेश्चन इंडिया के चीफ जस्टिस के ऊपर भी आता है, वो है गीता मित्तल। सीईओ ऑफ सैमसंग पूछे गए थे, तो किम है इस समय सीईओ ऑफ कैमकन? तो सैमसंग के सीईओ इस समय किम। इसके बाद देखिए नीति आयोग के चेयरमैन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री यानी पीएम नरेंद्र मोदी इस समय नीति आयोग के चेयरमैन हैं और हमेशा प्रधानमंत्री ही रहते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है वो होता है वाइस चेयरमैन का, तो वाइस चेयरमैन इस समय है राजीव कुमार। अगर बात करते हैं ऑडी के एम्बेसडर के पूछे गए थे, तो ऑडी के एम्बेसडर है विराट कोहली। विराट कोहली के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और आ रहे थे स्टूडेंट, जैसे कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी विराट कोहली हैं, इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी विराट कोहली हैं। विराट कोहली 3-4 चीजों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इन्हें याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ साथ लंदन फिल्म फेस्टिवल 2018 के विनर कौन थे? तो इंडिया की तरफ से विनर रहे हैं ए बिलियन कलर ड्रीम्स जो मूवी है वो विनर रही है लंदन फिल्म अवार्ड 2018 के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया रिहान नदी प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट के अंदर बना हुआ है? तो रिहान रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर कौन था? 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है रॉजर फेडरर ने। अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अकबरनामा लिखा गया है पर्शियन लैंग्वेज में। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, वो था बाबरनामा। बाबरनामा जो लिखा गया था वो लिखा गया टर्की लैंग्वेज में, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ एक म्यूजिक का क्वेश्चन आया था कि म्यूजिक कौन से वेदा से रिलेटेड है? तो देखिए टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो जो म्यूजिक होता है यानी संगीत होता है वो रिलेटेड होता है सामवेद से। इसके बाद देखिए ओल्डेस्ट बैंक पूछा गया, ओल्डेस्ट बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया का। और इसके बाद बाबरनामा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है टर्की लैंग्वेज में। नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर क्वेश्चन आया था, कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और ये मनाया जाता है सीवी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आप जानते हैं सीवी रमन को मिल चुका है नोबेल प्राइज रमन स्कैटरिंग इफेक्ट्स के लिए, और रमन का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। आफ्टर दैट स्टूडेंट देखिए प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे कहते हैं इसको, आपको ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इसे मनाया क्यों जाता है? इसे मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इस दिन वापस आए थे और उसी दिन को मनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और बेसिकली जो बाहर एनआरआई रहते हैं उनके भारत के प्रोग्रेस में योगदान को सराहना करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर पूछे गए थे, तो देखिए कप्तान अमरिंदर सिंह है पंजाब के CM। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल पूछी गई थी, तो ये कैपिटल है रियाद और रियाल चलता है यहाँ पर एज एन करेंसी। संप्रदा योजना के बारे में पूछा गया था कि ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है एग्रो मरीन से।
इसके बाद देखिए हॉकी वर्ल्ड कप के ऊपर क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला है क्योंकि, और उड़ीसा के अंदर होगा। वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहां पर होने वाला है, तो ये होने वाला है इंग्लैंड के अंदर। इसके बाद देखिए आईएमएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के याद रखिएगा फुल फॉर्म्स, और वो कहां पर लोकेटेड है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ की फुल फॉर्म। राणा प्रताप सागर डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है, ये बना हुआ है चंबल रिवर पर। इसके बाद बात करते हैं कालिदास सम्मान की, तो लक्ष्मी विश्वनाथन को मिला हुआ है ये, और सम्मान 2017 का राम गोपाल बजाज को। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था सोडियम को किस में रखा जाता है स्टूडेंट, देखिए सोडियम जो होता है वो जले लगता है जब संपर्क में आता है एयर के, तो इसको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल याद रखिएगा इसको। नेशनल साइंस डे मैं आपको बता ही चुका हूँ 28 फरवरी को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सीवी रमन का जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो देखिए राणा कुंभा थे जिन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। कौन ऑडिबल रेंज पूछी गई थी ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमन के लिए जो ऑडिबल रेंज है जिसके रेंज में वो सुन सकते हैं, तो वो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इससे ऊपर और इससे नीचे ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ है मीटर्स। इसके बाद बात करते हैं G20 समिट की, तो G20 समिट हुई है ब्रूनोस एरिस में जो की है अर्जेंटीना में। नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन का इन्वेंशन किसने किया था, तो कैश्मीर फंग थे उन्होंने विटामिन को इन्वेंट किया था। और एक क्वेश्चन आया था सबसे बड़ा एग कौन सा होता है, तो होता है ऑस्ट्रिच का। एक और क्वेश्चन था एग के ऊपर जो था कि कौन सा विटामिन पाया जाता है एग के अंदर, तो वो होता है एल्बुमिन याद रखिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा गया था कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। और यहाँ पर देखिए एसआई यूनिट पूछी गई थी फोर्स की, तो फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। न्यूटन के तीनों लॉज को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि इनडायरेक्ट वे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहला लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, दूसरा लॉ जिसके अंदर हम ड्राइव करते हैं फोर्स की डेफिनेशन को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तीसरा है जो कि हमें बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इन तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछे जाएंगे आपको, और खासकर न्यूटन का थर्ड लॉ। अगला देखिए स्टूडेंट्स मनीकरण प्लांट जो है वो कौन से स्टेट में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो सत्या नारायण नडेला जो है वो है सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसके साथ साथ इराक की कैपिटल पूछी गई थी, तो बगदाद इराक की कैपिटल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर 2017 का किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है कृष्णा सोबती को। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट विजन लॉन्च किसने किया था, ये डिजिटल मिशन है नॉर्थ ईस्ट का, इसे लॉन्च किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने। एक क्वेश्चन पूछा गया 2017 का वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता, तो देखिए स्टूडेंट्स 2017 का वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप भी इंडिया ने जीता, और 2017 का जो एशिया चैंपियनशिप हुआ था वो भी इंडिया ने ही जीता था पाकिस्तान को हराकर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐप लॉन्च की गई थी कॉल की क्वालिटी चेक करने के लिए, तो वो है उत्तम ऐप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बजाज के सीईओ पूछे गए थे, बजाज ऑटोमोबाइल्स हैं तो उसके सीईओ है राजीव बजाज। इसके बाद देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय पूछे गए थे, तो कोनाडा संगमा चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, 2018 में बने हैं, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे थे कि कोनाडा संगमा कहां से बिलोंग करते हैं, तो देखिए मेघालय इसका आंसर होगा। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके बाद देखिए ऑडिबल रेंज में बता ही चुका हूं आपको 20 से लेकर 20,000। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंटरपोल हेडक्वार्टर लोकेटेड, तो ये है लियोन के अंदर। हाउ विंड इज मेजर्ड, तो देखिए विंड की जो स्पीड होती है उसे मेजर किया जाता है एनमोमीटर से। विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। सेबी के चेयरमैन पूछे गए थे, सेबी के चेयरमैन इस समय है अजय त्यागी। चेयरमैन के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 किसने जीती है, तो ये जीती है बैरी हॉकिंग्स ने। इन्वेंशन किसने किया था डायनामाइट का, तो अल्फ्रेड नोबल ने इन्वेंशन किया था डायनामाइट का। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कुचिपुड़ी रेलवे स्टेशन कहां पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे इन सब शिफ्टों के अंदर, और क्वेश्चन जैसे ही मेरे पास होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। Goodbye and best of luck for your exams.